नमस्कार, स्वागत है आपका केकेआर न्यूज में। मैं आपके साथ पिंकी राठौर। आइए बढ़ते हैं ताजा खबरों की ओर। विदिशा में पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर यादव व नगर पुलिस अधीक्षक विकास पांडे के कुशल निर्देशन में महिला थाना प्रभारी ऐसा ही वंदना मिश्रा द्वारा विदिशा में बालकों को अभिमन्यु अभियान के संबंध में सभी आमजन को अवगत कराया गया व बालिकाओं महिलाओं पर घटित अपराधों के संबंध में संपूर्ण जानकारी दी एवं समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे नशा, दहेज, रूढ़िवादिता, अश्लीलता, अंशवेदनशीलता, अशिक्षा, लिंगभेद के चक्रव्यूह को तोड़ने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने हेतु सभी को जागरूक किया गया। थाना प्रभारी द्वारा मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए छात्रा को अभिमन्यु अभियान के अंतर्गत नशा मुक्ति कार्यक्रम, करियर काउंसलिंग, लिंगभेद, भ्रूण हत्या, लड़के लड़कियों के साथ होने वाले अपराधों की रोकथाम, हेलमेट एवं सीट बेल्ट अनिवार्यता, मोबाइल द्वारा होने वाले साइबर क्राइम विषयों पर सार्वजनिक विचार व्यक्त करते हुए छात्रों को अपनी पढ़ाई मन लगाकर करने को कहा। कार्यक्रम में पुलिस विभाग की प्रधान आरक्षक क्षमा परवीन एवं आरक्षक रानी कनौजिया ने भी शॉर्ट फिल्म दिखाकर घर एवं समाज के लड़कों को जिम्मेदार नागरिक बनाने संबंधित मार्गदर्शन प्रदान किया। विदिशा से संवाददाता रंजीत ठाकुर की खास रिपोर्ट। बोले, जो परेशान कर रहे थे उसको जब रोका, उसने जब जाके वहाँ पूछा तो इतने में ही वो डर गया था ना। और क्या किया उसने, कार को लेके वो लोग भाग गए जब तक उसने कॉल किया। अगली आपने देखी जो सबसे खराब में चक्रव्यूह का वेतन किया था, उसी तरह से समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी ऐसी बुरी बातें हैं जो हमारे विकास को रोक रही है। जैसे सबसे उनमें पहली बात मैंने की है नशा की। क्या है नशा? नशा हमारे जीवन को खराब कर देता है, जैसे आपको लगी लगी रोक लेती है। ठीक है, आपने ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए आप केकेआर न्यूज के साथ।